सीतापुर में जनता के चुनाव के लिए धन्यवाद व पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खुशियां मनाई, जहां पर 99,884 वोटों से विजयी हुए भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा। जी हम बात करें जनपद सीतापुर की, जहां पर जनता के चुनाव के लिए धन्यवाद देते हुए भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर खुशियां मनाई। वहीं कार्यकर्ताओं ने फूलमाला और रंग खेलकर खुशियां मनाई। आज लोकसभा चुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से चल रही है। वहीं देश की जनता में मोदी लहर देखने को मिली है। वहीं सीतापुर लोकसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें मिश्रिक, धौरारा व मोहनलालगंज व अन्य जनपदों में भी शामिल है। लेकिन सीतापुर सीट से भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा ने 5,08,654 वोट पाकर अपने विपक्षी महागठबंधन नकुल दुबे को 4,08,812 वोट देकर करारा झटका दिया है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी कैसर जहां को 95,694 वोट ही मिल सके। राजेश वर्मा ने कहा कि उनकी माने तो पार्टी विरोधी और विपक्षियों के लिए मेरी जीत उनके लिए करारा जवाब है। जो लोग छलबल के साथ चुनाव जीतना चाहते थे, जनता ने उनको पूरी तरह नकार दिया है। उन्होंने कहा कि जनता ने मुझे भरपूर प्यार देकर एक बार फिर जीत की सीढ़ी चढ़ने का मौका दिया है। जो अधूरे कार्य रह गए उन्हें मैं पूरा करूंगा व सरकार के साथ बैठकर नई योजनाओं के बारे में जनता के बीच में लाऊंगा। जनता ने जिस विश्वास के साथ मुझे जिताया है, जनता के इस विश्वास को हमेशा कायम रखूंगा। नए हैं वो तो आपका एक एक पोल भी कह रहा था, और हमारी पार्टी के सारे नेता चुनाव के पहले ही इस विषय को बता रहे थे कि इस बार 14 से बड़ी जीत हम लोग दर्ज करेंगे, और वही आपके सामने परिणाम आया है। अभी आपने देखा जी, एग्जिट पोल आया, एग्जिट पोल से कहीं ज़्यादा जनता ने भरोसा व्यक्त किया है काउंटिंग के अंदर। जहाँ तक रही सीतापुर के चुनाव के विषय की बात, पिछले चुनाव में 2014 में हम लोग 4 की 4 लोकसभा सीतापुर से जो टच करती हैं चारों जीती थी, और इस बार फिर 4 की 4 लोकसभा सीतापुर की जीत करके दिल्ली की तरफ कूच करने वाली हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। जिस तरीके से लोगों का हमेशा ये रहा कि जो भी हमारे जीते हुए कैंडिडेट हमारे बीच नहीं आए हैं, क्या इस बार उनका मलाल दूर कर पाएंगे क्या? अब ये लोकसभा का चुनाव इतना बड़ा होता है, ये मलाल बना रहेगा। हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, जाते रहेंगे। आपके घर पहुँचे तो आप खुश हैं, बगल के घर में नहीं पहुँचे तो वो कहेंगे हमारे घर नहीं आए। संभव नहीं है, लोकसभा बहुत बड़ा चुनाव, 150 किलोमीटर लंबा क्षेत्र होता है। फिर भी जो शिकायतें आई उनको दूर करने का प्रयास हम करेंगे। जनता को चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को सिर्फ धन्यवाद देना चाहते हैं कि 45-46 डिग्री टेम्परेचर में एक एक कार्यकर्ता ने पार्टी के नारे लगा करके, पार्टी की नीत नीत को आगे बताते हुए, तमाम विषम परिस्थितियों को झेलते हुए करारा जवाब गठबंधन को दिया है। हम जनता को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, और उनको इस जीत की उन्हीं को सबको बधाई देते हैं, यह जीत उन्हीं के गले में डाली जाए, ऐसा मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ। अभी तो जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया उस विश्वास पर हम लोग खरे उतरने का प्रयास करेंगे। सीतापुर में जो विकास के कार्य अधूरे रह गए उनको पूरा करना हमारी प्राथमिकता होगी, और नई योजनाएं जो हम और लाना चाहेंगे उस पर भी हम लोग दिल्ली में बैठ करके संभावित जो हमारे मंत्रीगण होंगे उनके डिपार्टमेंट से बात करके अपने जिले के विकास की बात करेंगे। TV1 इंडिया न्यूज के लिए विनोद सोनी की रिपोर्ट, सीतापुर। स्मृति ईरानी की जीत के लिए लोगों ने मांगी थी मन्नत। सलोन के मां मन कामेश्वरी मंदिर में स्मृति ईरानी की बड़ी जीत पर लोगों ने मंदिर में पूजा अर्चना की। पूरे मंदिर को दीपों से सजाया गया, फिर लोगों में प्रसाद बांटा गया। लोगों ने आतिशबाजी का अच्छा प्रदर्शन भी किया। जब TV1 इंडिया न्यूज के रिपोर्टर ने लोगों से बातचीत की तो लोगों ने बताया कि यह मंदिर प्राचीन मंदिर है, और यहाँ पर सच्ची श्रद्धा से जो कुछ भी मांगा जाए वह जरूर पूरा होता है। लोगों ने बताया कि हम लोगों ने स्मृति ईरानी की जीत के लिए यहाँ पर मन्नत मांगी थी, आज स्मृति ईरानी की जीत हुई है। इसी खुशी के कारण हम लोगों ने मंदिर को धूप और दीप से सजाया है। मां मनकामेश्वरी मंदिर में लोगों ने स्मृति ईरानी जी के जीतने के लिए मांगी थी मुराद, और माता के दरबार में यहाँ पर जो लोग भी माता के दरबार में आते हैं मुराद अपनी मुराद मांगने के लिए, तो यहाँ माता रानी उनकी मुराद जरूर पूरी करती है। हम आपको बताना चाहते हैं सलोन कस्बा है, जिला रायबरेली लगता है। यहाँ अमेठी के लिए, अमेठी में स्मृति ईरानी की भारी वोटों से जीत के लिए यहाँ पर लोगों ने मांगी थी मुराद, और लोगों की मुराद पूरी होने की वजह से लोगों ने यहाँ पर धूप और दीप से माता को खुश किया है, और यहाँ पर प्रसाद भी बांटा गया है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए आशीष कुमार की रिपोर्ट, सलोन रायबरेली। TV1 इंडिया न्यूज के लिए आशीष कुमार की रिपोर्ट, सलोन रायबरेली।
भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत की खुशी में ग्राम औरंगपुर की सांबी में अपेक्स प्रोफेशनल सर्विसेज एवं मोहन लाल पब्लिक प्राइमरी विद्यालय की तरफ से विद्यालय के बाहर ठंडे शरबत की व्यवस्था की गई। आने जाने वाले तथा ग्रामवासियों को शरबत पिलाया गया। इस मौके पर अपेक्स प्रोफेशनल सर्विसेज के अजय सिंह से शिवश्याम सक्सेना तथा मोहन लाल पब्लिक प्राइमरी विद्यालय के संरक्षक लक्ष्मी नारायण जी एवं अजय सिंह प्रवीण तिवारी हर्षित सक्सेना आदि लोग मौजूद रहे। और आज के रिजल्ट को देखते हुए ये निश्चित हो चुका है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। और इसी खुशी में समस्त ग्रामवासियों को हम लोग यहाँ मधुर पेय इसको शरबत कहते हैं वो पिलाने की पिलाने की व्यवस्था कर चुके हैं, जिसमें समस्त ग्रामवासियों को बुलाकर हम मीठा शरबत पेय कर रहे हैं। और ये खुशी है कि उस लहर की जो सक्सेसफुल हुई है भारी वोट देकर वोट भी दिया है टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए शिवम सक्सेना की रिपोर्ट बिल्लौर। हापुड़ में तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने कार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर लगते ही कार का पिछला हिस्सा पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। गलीमत आ रही की कार में सवार दो लोगों को चोटें नहीं आई। वही लगातार हो रहे सड़क हादसों के लिए शिकार लोग सबक लेने के लिए तैयार नहीं। आए दिन ही लगातार सड़क में हादसे होते रहे, जिसके चलते अपनी मौत को दावत होते लोग नजर आ रहे हैं। फिर भी लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। पिलखुआ के नेशनल हाईवे सरस्वती मेडिकल कॉलेज के पास की घटना बताई जा रही है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए अतुल त्यागी की रिपोर्ट, हापुड़।